राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षाएं व रिजल्ट 2020 से संबंधित आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि कोई अपडेट है, बड़ी सी न्यूज़ भी है और आपके लिए थोड़ी राहत की खबर भी है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है, इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। और यदि चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, क्योंकि आरबीसी संबंधित कोई भी अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले वो सटीक मिलता है। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षा है, 10th व 12th की जो परीक्षा है, जो शेष परीक्षा है, आयोजित नहीं होगी अप्रैल मंथ में। और आपका जो रिजल्ट है बहुत बहुत देरी से आने वाला है। इसका जो बहुत ही जो आपको पता होगा, जो कोरोना का जो संक्रमण है दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, लॉकडाउन का पालन जो है कम किया जा रहा है, इसलिए जो सरकार है वो कड़े कड़े जो नियम लागू कर रही है। अब देखो, आपको पता होगा 15 अप्रैल को जो है, यानी 14 अप्रैल को जो आपका जो है लॉकडाउन होने वाला है खत्म। तो लॉकडाउन खत्म जरूर होगा, लेकिन इसको आगे बढ़ाने की बात भी जो है अभी चल रही है, ठीक है। पहला तो आपको मैं उदाहरण बता दूं, रीट परीक्षा आपको पता होगा, जो रीट लगती है वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही जो है आयोजित करवाता है। तो यहाँ पर बताया गया जो 2 अगस्त को जो रीट थी, अब उसको भी आगे खिसकाने, जो परीक्षा जो तिथि है वो आगे खिसकाने की बात चल रही है। तो मतलब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो परीक्षा, मतलब जो भी बोर्ड परीक्षा है उस पर जो है आपकी बहुत जो परीक्षा आयोजित होगी वो बहुत ही लेट होगी, आपकी अब परीक्षा होगी बहुत ही लेट होगी। अब जैसे कोई लॉकडाउन खत्म होता है, स्थिति सामान्य हो जाती है, उसके 10 दिन बाद, 10 दिन के अंदर अंदर 10 दिन के लिए आपको तैयारी का समय मिलेगा, और 10 दिन के अंदर अंदर आपकी जो डेट शीट है, जो भी कार्यक्रम है, प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे, और उसके बाद आपकी जो परीक्षा आयोजित होगी, मतलब इस छोटे से समय में, ठीक है, अप्रैल के मंथ में आपकी जो परीक्षा है आयोजित नहीं होगी। मैं आपको बता दूं, अब आपको मैं रिजल्ट का भी अपडेट बताने वाला हूं, एक बड़ा सा अपडेट है बोर्ड विद्यार्थियों के लिए। आपने ये खबर जरूर देखी होगी, सीबीएसई और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा कॉपियों के मूल्यांकन भी जो अटका हुआ है, कभी जो कॉपियों के जो चेकिंग है उसका भी कार्य अभी तक अटका हुआ है। अब परिणामों में 10वीं और 12वीं के परिणामों में बहुत ही देरी होने वाली है। मैं आपको बता दूं, समय पर परिणाम चुनौती, ठीक है। मैं आपको बता दूं, जेई मेन्स, जेई एडवांस नीट कॉलेज में दाखिले के चलते जो भी दोनों बोर्ड मई अंत और जून की शुरुआत में 10वीं और 12वीं के परिणाम है, ठीक है, लेकिन जून जुलाई तक आपका जो परिणाम है वो लेट हो सकता है। आपकी जो कॉपियों का जो मूल्यांकन है वो भी अटका पड़ा है, और आपके जो भी कॉपियां कैसे चेक हो रही है इसका भी मैं जो सेपरेट वीडियो बनाकर आपको जरूर बता दूंगा। अब आपकी जो कॉपियां का मूल्यांकन पूरी तरह से अटका हुआ है। 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट की मैं बात करूं तो आपका जून में प्रस्तावित, जून के अंत महीने तक आपका जो है रिजल्ट प्रस्तावित हो सकता है, वो भी कुछ संभावना के द्वारा। अब आपकी जो परीक्षा है, बोर्ड विद्यार्थियों की जो परीक्षा है, वो भी मैं आपको बता दूं मई मंथ में जो आयोजित यदि होती है, तो हो सकती है यदि ये लॉकडाउन आगे बढ़ाता है या स्थिति और भी सीरियस हो जाती है, गंभीर हो जाती है, तो आपकी परीक्षा आयोजित नहीं भी हो सकती, ये भी मैं आपको बता दूं। अभी तक कोई ऐसे हम राज्य सरकार के द्वारा, न तो शिक्षा विभाग के द्वारा, न हमारे जो भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा अभी तक कोई स्पष्ट फैसला नहीं दिया गया है। ये जो कुछ न्यूज़पेपर के जो सप्ती खबर है उनके द्वारा हम जो अनुमान लगा सकते हैं कितना जो है कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। 2 अगस्त तक जो रीट इतनी दूर है, लेकिन उनका भी जो परीक्षा की जो तिथि आगे बढ़ाने की जो बात चल रही है, अभी तक कुछ अधिसूचना भी जो जारी होनी थी वो भी नहीं हो पाई है। तो आप देख सकते हैं इन सभी हालातों को देखते हुए आपका परिणाम, जो परिणाम जो तिथि है वो भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और बोर्ड परीक्षा जो है अभी तक और स्थगित कितनी होगी ये भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी जानकारी, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, और यदि और भी कोई अपडेट आता है आरबीएसई का सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद।